अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक हों। तो आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। सबसे पहले जी आपको मिलाते हैं इधर अम्मी से। अम्मी जी इधर हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। तू सुना ठीक है? हाँ जी। ते अच्छा इस तरह ना, मैं वो पहले भी पैसे भी टुके हुए, क्या हुआ? इस बार ना बैंक वाले पैसे ना सारे इस तरह जख्मी दिते ने। कैसे? कोई एक भी नहीं साबित। हाँ, ये सब फटा हुआ। अच्छा इस तरह ना माँ, चलो भाई। अच्छा पूछ तो सही ना भाई, तेरे चेहरे की खुशी वुशी क्यों हुई? मैंने तो समझे नहीं, भाई तो नजर ही नहीं आई। आई भी कोई नहीं, अगे कड़ी रोनी है। आपने तो वैसे भी जाना था ना उनके साथ शॉपिंग करने। चलिए अभी सामान ले लिया, दुकान पे आए हैं। इधर सामान, ये कहाँ से आ गया? सारे मैंगो हैं। ये आ गया एप्पल वाला, चेंज कर लेते हैं। फिर एप्पल वाला ये है, नहीं तो पैक करवाते हैं, घर चलते हैं। अच्छा ये सामान है, ये ले। आए नहीं अभी? नहीं, लेट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? वालेकुम सलाम। ट्राईपॉड ही हाथ है, चाय है। ट्राईपॉड टूट गया। खुशी चेक करें, खुशी बड़ी खुशी होगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज आपकी बारी है, आप खुश है। वो हमें ससुराल भेज के खुश होते हैं, हम भाई के भाग के खुश होते हैं। वो बचत कर रहे थे, मेरी बहन का ज्यादा खर्चा ना हो। आप यहाँ खाने के लिए हैं? अभी तक नहीं शिफ्ट हुए प्लेट्स में पूरी तरह। नहीं, आपके लिए मंगवाया ही नहीं। कैंची लेके तो मैं सदा फरमिस बह ना, हम लोगों ने भी डिवाइड करना है। मैं इधर से ही। कैसे खुश हैं भाई, जान छुड़ा के कहते लाहौर जाओ तुम। दो दो डब्बों का एक गिलास बनना है, आप हौसला करें, आपको कोई नहीं मिलने। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, हम लोग इंतजार में थे कि भाई तीसरा डब्बा हमारा है, और तीसरा डब्बा भी इधर था। अब फिर बाद में सदा इस वक्त खुद मंगवाएं कि ना मंगवाएं, और हम लोग पैसों का देख रहे थे, नहीं भाई पैसे नहीं है, चलो छोड़ो। चौथा मेरे पास ठीक है, दे ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ
तो मैं बताती हूँ भाई के पीछे डंडी लाल डब्बे से बच गई है नहीं वो चौथा डब्बा बच गया मैं कोई और मचा हुआ जाके अच्छा अभी मामू लोगों के साथ जाने लगे हैं बाहर और कपड़े वगैरह चेंज करने हैं कपड़े इस्त्री किए हैं इसमें नाला डाल दें नाला अंदर ही है चले दे दे मैं फिर तैयार अम्मी से पूछ लेते हैं जी तैयार हैं चलें लेट हो गई है चलो हाँ चलें जी चलें 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 जी अभी गाड़ी में बैठ गए और पहले कहाँ जाना है दुकान पे जाना है पहले शॉपिंग करना है इतना ही चली चले जी अभी हम बाजार आ गए हैं इधर से करनी है मामू सदाकत ने शॉपिंग हम सदाकत ने नहीं करनी मामी किरण ने करनी है ये दुकान है यही है इसी से करनी है इधर ही ये दो सूट पसंद किए इतने सारे देखने के बाद ये पसंद आखिर में एक को ये दूसरा बात चलो दो अगली बार हैं हाँ जी अभी मामू लोगों ने शॉपिंग कर ली है और अब प्लान बना है कुछ घूमने फिरने का फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दरियाए चनाब पे वहाँ देखते हैं चीला लाला पता नहीं वहाँ पानी होगा या नहीं मेरे ख्याल में सैलाब आया नहीं है आजकल किधर सैलाब आ गया पहले आया है सबका सैलाब पानी है उसमें डॉट हो रही दरिया चल है पानी देख लेते हैं आज और वहीं से कुछ ना कुछ खा पी भी लेंगे अच्छा जी तो अभी हम लोग जो हैं वो पुल पे पहुंचने वाले हैं और इधर मौसम देखें जी धुंध है इधर पड़ी हुई वो साइडों पे सारी धुंध है मौसम इधर धुंधला सा है सारा शहर ये धुंध नहीं है ये स्मोक है अच्छा जी स्मोक वाली धुंध है और आसपास देखें भाई यहाँ जो रोड है ना काफी ऊंचा बना हुआ है और साइडों पे फसलें बड़ी प्यारी नजर आ रही है यहाँ पे आ गए हैं दरिया चनाब पे और इधर रुके हैं नहीं ये वैसे बैठने के लिए जगह बनी हुई है ना कि इधर जो भी आता दरिया पे आके बैठ जाए ये इधर है होटल वगैरह इधर ये है जी दरिया यहाँ जगह है कुछ बैठने की यहाँ से माहौल देखते हैं कैसा है चलें जी वो नज़र आ रहा है जी पुल पानी है नहीं बिल्कुल सारा ही है थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी सारा खुश्की पड़ा है पहले रुकना था इधर ये तो होटल ही बंद है इधर से घूम फिर आके बाहर जा रहे हैं पता नहीं अब आगे किधर चलते हैं अब किधर जाना है ये तो सारा बंद पड़ा है ये कुछ भी नहीं है इधर चल हाँ जी मछली कहाँ से खानी है मछली यहाँ आगे से मिलेगी इधर जाएंगे तो चलें जी चलते हैं आगे फिर सफर करना कश्ती का और नहीं गिरते नहीं हम वो लाहौर जेल नहीं है नहीं नहीं हाँ तो वैसा ही है एक ही है तो ये इसमें कौन सा पानी पड़ा उससे तो कम ही गहरी होगी ये चलो आपकी मर्जी चलो चलें अभी प्लान बना है जी मछली खाने का और इधर ये कोई मछली पड़ी है ताज़ी बनवानी जी तो इधर जगह है जी बैठने की बड़ी कोई स्पेशल जगह बनाई हुई है अंदर जाके क्या बात ये लगे हैं जी आपके लिए टेबल अभी अभी उन्हें लगाए हैं हाँ
स्पेशल आपके लिए। चले बैठ जाए जी, अभी इंतजार करते हैं, टाइम लगना है इधर मछली को काफी। उसने अभी छीलनी है फिर बनानी है। आपका तरीका पुराना है ना, वो ये तरीके वाले हैं। अरे जी इधर कुछ माहौल ऐसा है, ये सारा दरिया पीछे से, दरिया रहा है पीछे गया वो उधर है, हम आगे आ गए हैं इधर। नहीं इधर पानी नहीं आता, वो बन से आगे पानी आता ही नहीं है, बन इसीलिए बने होते हैं ना, पानी आगे ना आए, बन के दूध नहीं तोड़ता। सलाब आया कभी तो तब टूटती है, नहीं तो फिलहाल नहीं टूटी, बनी हुई है, पक्की है। ये तो पहले मेरे पास आया जी रहता, और साथ हैं मेरे घर रोटियाँ और पानी भेज दिया, बाकी मामू जो हैं वो मछली बना रहे हैं उधर ही, आए नहीं हमारे पास इधर। वो आज देख रहे हैं रेसिपी क्या है, घर जाके खुद ट्राई करनी है उन्होंने। है ना, ये काम तो आसान है। चलो मैं पता करके आता हूँ क्या कर रहे हैं। उधर आपका इंतजार हो रहा है, आप मछली बनवा रहे हैं, रेसिपी नोट तो नहीं कर रहे? चलें आ जाएं जी, हमारी मछली जो है वो तैयार हो के आ गई है। ये ना दो के आ गई है। ना दो मामू सुधाकर उधर खुद ही उसे निलवा भी रहे थे, दुलवा भी रहे थे। चलें जी चखते हैं कैसी बनी है, पर छिड़के ना ये नींबू शीबू खट्टी बने थोड़ी सी, ये अपने हिसाब से नींबू लगाएं। नींबू लगाएं। चलें अभी खा लेते हैं और खाने के बाद फिर आपसे। तो अभी जो है हमने ना वाइफ से ली थी पेस्ट्रीज और ये किंग कुल्फा, क्योंकि मामू लोग वापसी जा रहे थे तो हमने सोचा कि उनको ना चाय के साथ कुछ ना कुछ खिला लेते हैं, फिलहाल उनको ये पास करते हैं। अच्छा तो अभी जो है मेहमानों को देते हैं आइसक्रीम और साथ देते हैं पेस्ट्री, और बाकी मैं कहता हूँ व्लॉग ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया, पसंद आया लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैंने भी देव, मैंने भी बहुत लगी है।